अभी मैं जस्ट एक टीजर देखा वेड़ा का, मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। इसमें जो रितिक देशमुख जो दिख रहे हैं एक विलन की तरह दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यह मूवी एक सुपरहिट होने वाला है और बहुत ही दमदार लगने वाला है यह मूवी। जैसा कि इस मूवी का टीजर देखा, इसमें देखना जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो मुझे अच्छा लगा, और इसमें जो सॉन्ग बजता है धीमी धीमी सा वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखना रितिक देशमुख शायद कुछ ऐसा कुछ कर बैठा है जिसके वजह से शायद कुछ अलग ही दुनिया में रहता होगा मुझे लग रहा है, और उसके लाइफ में शायद कुछ होता होगा। जेलेनिया का एंट्री होता है वो भी ऑटो में, और उसकी फेस को देखना माथे पे बिंदी और मंगलसूत्र पहने हुए, मुझे लग रहा है शायद रितिक देशमुख का उसकी बीवी होगा। मूवी की बात कर रहा हूँ ना, खैर रियल में तो लोग पति पत्नी हैं, लेकिन इस मूवी में थोड़ा से देखना पड़ेगा क्या है कि नहीं है। उसके बाद जेलेनिया उसके पास जाती छाते पकड़ कर, और देखना रितिक देशमुख को सिगरेट जला रहे है और वो भी धुएं में उड़ा रहा है और कुछ बोल रहा है। शायद जेलेनिया देखना वहां पर एक छाते पकड़ कर बैठी होली वाली सीधी साधी टाइप से दिख रहे, शायद मुझे लग रहा है कि शायद वो एक संस्कारी होगी, और वो जो रितिक देशमुख है कुछ विलन की तरह रोल कर रहा होगा शायद लग रहा है। और इससे पहले रितिक देशमुख का भी जो मूवी आया था मिस्टर मम्मी, क्या बना दिया था मुझे तो समझ ही नहीं आया। फिलहाल तो वो मूवी उतना तो मुझे खास नहीं लगा। अगर जो अभी जो आने वाला है वेड़ा मूवी, वाकई में यह मूवी का टीजर देखा मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। यह मूवी आपको 30 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, टेक केयर, बाय।